से प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का चैनल। दोस्तों, हाउ टू इंक्रीज हाइट नेचुरली के पार्ट टू में आपका स्वागत है तथा आज हम उन बातों पे फोकस करेंगे जो हमने पार्ट वन में नहीं बताई। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा तथा वो इस कार्ड में देख सकते हैं या नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं, जिससे पार्ट टू आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए पार्ट टू में हम आपको समझाते हैं कि कैसे नेचुरली आप अपना कद इंक्रीज कर सकते हो, चाहे आपकी एज 16 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो कैसे हो सकता है। तो आइए पार्ट टू में फोकस नॉट ऑन नेगेटिव पीपल बट ऑन गोल। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है तथा 2 या 3 साल बाद आपका कद नहीं इंक्रीज होता तो आपके खुद में नेगेटिविटी आ जाती है तथा दूसरे जो लोग हैं, क्योंकि आपकी एज जो ग्रोथ वाली एज है उसको पार कर गई है, जैसे मान लो 15 साल है, 16 साल है, 10th क्लास आपने क्लियर किया, प्लस टू क्लियर किया, तो उसके बाद क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिविटी थी तो दूसरे आपको बहुत आसानी से नेगेटिव कर देंगे। कैसे? मान लो कि आप 25 साल के हो तो नेगेटिव पर्सन क्या कहेंगे, आई कैन राइट ऑन द स्टैम्प पेपर योर हाइट विल नॉट इंक्रीज। आप किसी पार्क में जाओ और किसी व्यक्ति को कहो, भैया मेरी उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 28 साल है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं कद इंक्रीज कर रहा हूं, वो कहता है मैं एक स्टैम्प पेपर पे लिख दूंगा तेरा कद नहीं इंक्रीज होगा, उसके ऊपर साइन कर दूंगा। तो आप कहोगे नहीं यार, आप एक दिन जाओगे, आप एक दिन अपने आप को खींचोगे, हैंगिंग एक्सरसाइज करोगे, अगले दिन जो मैंने बताई है सब स्टॉप, क्योंकि वो व्यक्ति जो जिसकी उम्र 50 साल है, जो एक्सरसाइज वहां करा रहा है, वो कहेगा नहीं तेरा कद नहीं बढ़ सकता। तो ये जो माइंड में आप बात ले लेते हो उससे माइंड इसको सच मान लेता है, वो समझ लेता है कि भैया तू 25 साल का हो गया, तू 30 साल का हो गया, तू 28 साल का हो गया, तू नहीं इंक्रीज हो सकता। तो आप जितनी जो कोशिश करनी है, दो मैंने 60 डेज जो कोशिश करनी थी, दिन रात एक करना था, सिर्फ 1 इंच तो बढ़ाना था आपने, 2 इंच तो बढ़ाना था, आपका 5 फुट 4 इंच था, आपका 5 फुट था, वो कोशिश से हो सकता था, 2 इंच 3 इंच 4 इंच बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था, बट आपने नेगेटिव पर्सन को थिंक किया, उसकी वजह से आपका कद वहीं का वहीं रह गया क्योंकि पॉजिटिव एक्शंस नहीं लिए। फिर एक और बंदा आएगा, वो कहता है मेरे को एक ब्लैंक पेपर दो, तेरी उम्र 28 साल होगी और तू कद बढ़ा रहा है, ये लिख दिया मैंने साइन, और जिस दिन इंक्रीज हो जाए ये ब्लैंक चेक के ऊपर मैंने साइन किया है, अमाउंट लिख देना। वो बंदा उसकी इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभावित हो गया, कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया, कोई स्विमिंग नहीं किया, कोई हैंगिंग एक्सरसाइज नहीं किया, कोई मेडिटेशन नहीं किया, तो पक्का ही है उसका कद बढ़ने वाला नहीं है, 1 इंच भी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन उसके ऊपर हावी है। जब जब वो एक्शन लेगा, भैया उसने तो ब्लैंक चेक दे दिया, साइन कर दिया है, इसके ऊपर 40 लाख भी लिख दूं पर मेरा कद तो बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी एज से ज्यादा हो गई है, कद बढ़ने वाली एज से ज्यादा, तो वो क्या करेगा, भैया आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो क्लोज हो गई हैं, मैंने इसका एक्सरे करा लिया है, देख लिया है, आपके हार्मोन सब नहीं बनेंगे, भूल जा कद बढ़ाना। तो दोस्तों, यह फोकस है हमारे माइंड का तथा दूसरे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका यूनिक थॉट क्या है, आपने गोल अचीव करना, गोल की तरफ देखिए, एक निशाना लगाने वाला अगर अपने गोल के ऊपर निशाना नहीं लगाएगा, यहां से बात सुनेगा तो भटक जाएगा। तो अपना जो भी ध्यान है, जब भी आपने कद इंक्रीज करना है, चाहे आपकी एज 30 से भी ज्यादा है, चाहे आपकी एज 25 है, 22 है, 28 है, 29 है, जिसकी भी एज 20 से ज्यादा है,
अगर आपने निश्चय किया 2 महीने के लिए 60 डेज इसके लिए, तो गोल के ऊपर फोकस रखना है, मुझे कद बढ़ाना है, मोटिवेट कीजिए। हाँ, कद बढ़ सकता है, ये तो बहुत आसान है। अगर मैं इसके लिए पॉजिटिव एक्शन लूंगा, ठीक है, तो मैं बढ़ा सकता हूँ कद 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच। ओके, ऐसा हो सकता है। सिर्फ नेगेटिव पीपल को हटा दीजिए। आपकी माँ नेगेटिव है उसको हटाइए, अपने आपके पिताजी नेगेटिव है उसको हटाइए, आपके भाई नेगेटिव उसको हटाइए, आपकी बहन नेगेटिव उसको हटाइए, आपके दोस्त नेगेटिव उसको हटाइए, वो सोसाइटी जो आपको कहती है उसको हटाइए, वो डॉक्टर जो आपको कहता है कि हाइट इंक्रीज नहीं हो सकता, हटाइए उसको, इस कानों से उसको बंद कीजिए, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए 2 मंथ्स के लिए, तो आपका गोल अचीव होगा, इट इज श्योर। सेकेंड, डू एक्सरसाइजेस ऑन चैलेंजेस बेसिस। आप हैंगिंग करने गए तो कभी उसका कोई चैलेंज नहीं बनाया, आपने कोई आसन किया उसका कोई चैलेंज नहीं बनाया, आपने कोई रनिंग की उसका कोई चैलेंज नहीं बनाया। भैया, बिना चैलेंज से आपका कद नहीं इंक्रीज होगा। आप आराम से जाते हो, 30 सेकेंड हुए, बस हो गया, निपट गया, बट चैलेंज वाले व्यक्ति आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भागता है कोई है, पर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल किसको मिलता है? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसका नाम आता है? नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? भाई, आपने भी वही सोचना है। मान लो कि आप अगर रनिंग करनी है तो बी द रेस विनर, क्योंकि रनिंग से कद बढ़ता है, पर नॉर्मल रनिंग से नहीं बढ़ेगा। 200 मीटर को कवर किया किसी ने सिर्फ 19 सेकंड में। आप 25 सेकंड लगाइए, भागते जाइए, भागते जाइए, भागते जाइए, और 25 सेकंड के अंदर अंदर आपने रेस को जीतना है। तो वो जो आपका धक्का लगेगा, आपकी स्पाइंस फ्लेक्सिबल होगी, आपकी हड्डियां फ्लेक्सिबल होंगी, उससे आपका कद बढ़ेगा। तो चैलेंज लीजिए लाइफ में, रनिंग से कद इंक्रीज होता है, चैलेंज लेना होगा। स्विमिंग से कद इंक्रीज होता है, चैलेंज लेना होगा, कितनी स्पीड से। रोप स्किपिंग चैलेंज, रस्से की स्किपिंग होती है, उसके ऊपर श्लांग लगाई जाती है, जंपिंग की जाती है, उसका चैलेंज लीजिए। कितने कर सकते हो नॉन स्टॉप? मैं 500 कर सकता हूं, आप करके देखिए, तो कद आपका इंक्रीज होगा। बचपन से कर रहा हूं होप स्किपिंग, मैं बचपन से कर रहा हूं, तो आपके अंदर वो स्टेमिना आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, धक्का लगे चल, हार्मोन्स जो ढक्कन बंद किया उसको निकाल, जो प्लेट्स क्लोज हो गई हैं ग्रोथ की वो खुल जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे आपने हैंगिंग करनी है, पहले उसके ऊपर 1 किलो 2 किलो 3 किलो करते करते 20 किलो अपने पैरों में लगाइए, खींचिए। एक व्यक्ति स्पोर्टर, 2 स्पोर्टर अपने पास रखिए, ठीक, तो ये टीम का काम है, तो आपका कद बढ़ेगा। डबल साइड प्रेशर, बॉडी को प्रेशर दीजिए, हाथों से खींचिए, लातों से खींचिए, जितना खींचोगे दोनों तरफ, एक हैंगिंग रोड्स के ऊपर दोनों तरफ खींचिए आपको, तो धक्का लगेगा, आपका कद खींचा जाएगा, ऐसा हो सकता है। ड्राई स्विमिंग इफ नॉट वाटर, लोग कहते हैं वाटर तो है नहीं, हम तैर नहीं सकते, इसलिए कद नहीं बढ़ेगा, स्विमर का कद बढ़ता है। और ड्राई स्विमिंग कीजिए आप, हैंगिंग होके अपने लातों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते जाइए, साइकिल के ऊपर अपने लातों को नीचे लगाने की कोशिश कीजिए, उसकी गद्दी को ऊंचा कर दीजिए, हो सकता है ऐसा। और धक्का लगा लगा के अपने पैरों को नीचे लेके आइए, उससे आपका धीरे धीरे 1 इंच 2 इंच, आप 1 महीने के बाद देखोगे 2 इंच आपका इंक्रीज हो जाएगा। गुड स्लीप 8 आवर्स, आज की डेट में मैं 10 बजे के बाद किसी के घर में चला जाऊं, 11 बजे के बाद किसी के घर में चला जाता हूं, तो वो सोते नहीं है, बच्चे 12 बजे तक लेके ऐनक पढ़ते रहते हैं, ठीक, तो उनकी जो स्लीप है वो 4 घंटे 3 घंटे, ठीक, कोई तो सारी रात ही जगते रहते हैं, फिर अगले दिन स्कूल में झटके खाते रहते हैं, कॉलेज में झटके खाते रहते हैं, कॉलेज का बंक लगाते हैं,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, रात को 8 बजे आप सो जाइए, 3 बजे उठिए। रात को जो सपना लेके जाना है कि कल मेरा कद बढ़ जाएगा, सोते हुए भी यही सपना लीजिए तो आपका कद बढ़ेगा। 8 घंटे हर हालत में कद बढ़ाने के लिए नींद आवश्यक है, स्लीप आवश्यक है, कम स्लीप, भोजन में गलत खान पान की वजह से ही कद नहीं बढ़ रहे। डू बेस्ट आसंस। एक ऐसा देश भारत, उसमें लोग छोटे हों ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। 4.5 फुट का, 5 फुट का छोटा, उसके बाप भी छोटा, उसके बच्चे भी छोटे, उसके आगे बच्चे छोटे, ये कौन सा देश है? ये वो देश है जहां आसन किए जाते हैं, जिसने योग दिया, बेअंत आसन है। आप वृक्ष आसन कीजिए, ताड़ आसन कीजिए, चक्र आसन कीजिए, पूरा आपका चक्र व्हील बन जाना चाहिए। व्हील ऊपर से नीचे से करते करते अपने पूरे स्पाइन को घुमा दीजिए, वहां फोकस रखिए। फिर वही चैलेंज लीजिए इसमें कि 1 मिनट 2 मिनट तो करके रहूंगा इसको। सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, अस्त्र आसन, लोट्स ऑफ, आप सर्च कीजिए, आपको 100 आसन मिल जाएंगे। हर आसन आपका कद इंक्रीज करेगा। ओके दोस्तों, ये जो बातें हैं एक बार फिर हम नोट कर लेते हैं। फोकस ऑन नॉट ऑन नेगेटिव पीपल बट ऑन गोल। हमेशा गोल के ऊपर फोकस रखना है, कभी नेगेटिव पीपल की बात को सुनना तक नहीं है। डू एक्सरसाइज ऑन चैलेंज बेस, चैलेंज बेस पे एक्सरसाइज करनी है, जो पार्ट वन में थी, जो पार्ट टू में बताई, सभी के चैलेंज बेस पे। ड्राई स्विमिंग करते रहिए, लातों को हिलाते रहिए, कहीं लटक के साइकिल के ऊपर आपके खींची जाएंगी लातें, कद बढ़ेगा आपका आधा फुट, 1 फुट तक बढ़ सकता है। अच्छी स्लीप कीजिए, 8 घंटे सोना ही सोना है। बेस्ट आसन कीजिए, बहुत सारे आसन है, डेली कीजिए, 1 घंटा उसके ऊपर टाइम लगाइए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाइक तथा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए। अगर आपने हाइट ग्रोथ के लिए पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नोट कीजिए, 93-568-34925-93-562-34925। ओके दोस्तों, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।